देखिए यहाँ पे दावा व्यवस्था नहीं है, इसको आगे लेके जाइए, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। यहाँ कुछ नहीं तो फिर ये जो खुला हुआ है तो यहाँ कुछ व्यवस्था है नहीं, कुछ नहीं। मेरा नाम रविंद्र प्रभुआ, AISF अध्यक्ष मगध विश्वविद्यालय कैंपस। देखिए इसको क्या टेंशन है, इसका फाइल निकलेंगे तो क्या बोल रही है, इसका फाइल निकलेंगे तो फिर निकलेंगे तो ना, ज्यादा ये नहीं करो मुझे ना, सीधा काट से काट के पूरा नाम लिखवा लेना, कोई ही नहीं है हमको, टेंशन मत लीजिए। पहले क्या है मतलब, बहुत बच्चा है, तुम अकेले नहीं हो, कितना बार बोल। आई हुई थी पटना महिला कॉलेज से और एक कंट्रोलर से मिलने गई थी अपने एग्जाम के पर्पज से, और कंट्रोलर इनको बोले कि हम ही इस्तीफा देते हैं, हम छत से कूद जाते हैं। बल्कि फ्रस्ट्रेट हो गई, रोने लगी, बोले कि हमारा देखिए एग्जाम इसका फंसा हुआ है ग्रेजुएशन का, हम आगे एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें जब मेरा ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हुआ है। और जिस कॉलेज से आती है वहाँ पे बता रही थी लड़की कि वहाँ पे सिर्फ एक लड़की पास हुई है ग्रेजुएशन में, बाकी सब लड़की को फेल कर दिया गया है। आखिर क्या कारण था? जो फर्स्ट एड हो गई लड़की, जो इसका फेल कर गया ना स्टूडेंट का, सबका हुआ क्या उसके साथ लड़की के साथ कंट्रोलर पेश आए, गुस्से से पेश आए। उसके बाद लड़की को क्या हुआ? लड़की बेहोश हो गई है, तबियत खराब हो गया उसका। तो वहाँ से कहाँ ले गए आप? लाए मगध विश्वविद्यालय कैंपस के जो हॉस्पिटल है वहाँ लाया गया। यहाँ पर देखिए जर्जर व्यवस्था है, यहाँ पर कोई दवा नहीं है। यहाँ इलाज हुआ? नहीं, इलाज नहीं हुआ, कोई सुविधा नहीं मिला। कहाँ ले गए? यहाँ ले गए अनुग्रह मेडिकल कॉलेज को गया, ले गए। तो यहाँ डॉक्टर से बात की, कुछ भी इलाज करने के लिए व्यवस्था नहीं था? कोई व्यवस्था नहीं, दवा ही नहीं है, कोई है ही नहीं उपलब्ध। मगध विश्वविद्यालय का मेडिकल भी जर्जर व्यवस्था में है। डॉक्टर से बातचीत करने के बाद क्या लगा? डॉक्टर बोले कि देखिए यहाँ पे दवा व्यवस्था नहीं है, इसको आगे लेके जाइए, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। यहाँ कुछ नहीं तो फिर ये जो खुला हुआ है तो यहाँ कुछ व्यवस्था है नहीं, कुछ नहीं। मेरा नाम रविंद्र प्रभुआ, AISF अध्यक्ष मगध विश्वविद्यालय कैंपस।